हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ, जहाँ पर प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट्स देखे थे और साथ में एग्जाम्पल्स भी की थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है वो हमें बतानी है। नल सेट क्या होता है, जिन्होंने तो ये समझा था उनको तो पता होगा, जिन्होंने नहीं समझा वो एक बार देख ले। नल सेट का मतलब ये वो सेट होता है जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता ऐसे सेट में। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो फाई लगाते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दी जाती हैं और इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाता। तो जिस सेट का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यू कैन से लाइक दैट आल्सो, उस सेट को नल सेट कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू। ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो कि टू से डिवाइड होते हो। अब आपको पता है जो ऑड नंबर होते हैं वो टू से डिवाइड होती नहीं। 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी ऑड नंबर है, लेकिन इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो टू से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब है जो आपका फर्स्ट पार्ट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, ये एक नल सेट को प्रेजेंट करता है। तो ये नल सेट है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने ऐसे इवन नंबर ढूंढने हैं जो कि प्राइम नंबर हो। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, सो ऑन, जो कि 2 के टेबल पे जाएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद का टेबल हो गया और एक वन का हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं इवन नंबर्स को लिखता हूँ तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इसका मतलब है इस सेट में एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 2। तो ये नल सेट नहीं हुआ। नल सेट के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया। अगर एक भी एलिमेंट आ जाए तो वो एक नल सेट नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। क्लियर है, कोई भी नंबर ऐसा दुनिया में अवेलेबल है ही नहीं है जो एक ही टाइम पर 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। तो यानी कि इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी एक नल सेट है। उसके बाद वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं और इनमें एक पॉइंट है जो कॉमन है। पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होती है कि ये कभी भी आपस में मिल नहीं सकती, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब वो कभी मिल ही नहीं सकती तो इसका मतलब है कोई भी उनके बीच में कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों स्टेटमेंट्स नल सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो जीरो होंगे या फिर जीरो से ज्यादा होंगे। मतलब
अगर सपोज करें आपके पास कोई सेट है, नल सेट लगा ले जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो भी फाइनाइट सेट है, एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स है, मतलब काउंटेबल, आपकी गिनती एक पॉइंट पर जाकर रुक जाएगी, उसे वी कॉल फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट में क्या होता है, आपकी गिनती रुक ही नहीं रही है, आपकी गिनती रुक नहीं सकती, नॉन स्टॉप है, आप चलते जा रहे हो, वन के बाद टू के बाद थ्री, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। कहाँ पे जाके रुकेंगे आप जब कंडीशन ही कोई नहीं लगाई? तो नेचुरल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स कहीं पे भी नहीं रुक सकते, तो इसीलिए ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो मुझे यही बताना है कि कौन कौन से सेट फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक साल में आने वाले महीनों का सेट। क्लियर है, एक साल में 12 महीने आते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका इसको अपन क्या लिखेंगे, फाइनाइट, FINITE। वन टू थ्री कोमा 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 की बात क्लियर होनी चाहिए कि जब तीन डॉट्स लग जाते हैं, या तो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, तो वो इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो सकता है, वन टू थ्री। और जैसे अभी अपा बात कर रहे थे कि नेचुरल नंबर्स को कहाँ पे जाके रोकेंगे जब कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, तो इसका मतलब है ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, वन टू थ्री 9900। अब यहाँ पर भी तीन डॉट्स हैं, लेकिन तीन डॉट्स के बाद नंबर्स लिख दिए गए, तो इसका मतलब है कि आपका जो सेट है वो वन से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। और पैटर्न बता रहा है कि ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसमें वन से लेकर 100 तक के नंबर्स आएंगे, तो यानी कि 100 पर जाके आप अपनी गिनती रोक दोगे, तो फिर ये एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट क्या होगा? 100 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं इंटीजर्स? 101, 102, 103, 104, 200, 500, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, पता नहीं कितने करोड़, अर्ब खरब, क्या आप रुक सकते हो कहीं पे भी? नो, कोई कंडीशन मेंशन नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं रुक सकते। इसका मतलब है ये भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो हम लोग नेचुरल नंबर्स के सेट को कंसिडर करते हैं, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? अगर मैं बात करूं तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, तो वन तो एक प्राइम नंबर नहीं है, टू है, देन थ्री है, देन फाइव है, सेवन है। अब ये गिनती तो इनफाइनाइट है, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगा दी कि लेस देन 99, तो 99 से छोटा यानी कि जो 97 है वो एक प्राइम नंबर है, 98 और 99, 98 प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि 97 पर जाके हमें फुल स्टॉप लगा देना है। तो यानी कि ये एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो तीन कंसेप्ट अभी तक हमारे पास आए, फर्स्ट था नल सेट वाला कंसेप्ट, दूसरा आया हमारे पास फाइनाइट सेट वाला कंसेप्ट, और तीसरा कंसेप्ट आया इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट। तो तीन कंसेप्ट अभी तक आ चुके हैं हमारे पास, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पर। यहां पर भी बताना है कि फाइनाइट या इनफाइनाइट कौन सा सेट है। चलिए कंटिन्यू है सेकंड क्वेश्चन ही, बस नाम थर्ड कर दिया। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल अपन ड्रॉ करते हैं लाइंस, आप कैसे ड्रॉ करते हो? ये आपको ग्राफ आता ही होगा बनाना, बचपन की कहानियां हैं। ये आपका वाई एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन, और ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ओरिजिन हो गया।
आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के। जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? ये एक हो गई, दो, तीन, चार, कहाँ रुकोगे? कहीं पे भी रुक सकते, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो मैंने स्पेस बहुत दे दी है, स्पेस कम कर दोगे आप तो ऐसे आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? क्लियर है? आप कहोगे इनफाइनाइट, कहीं पे भी नहीं रुकेंगे हम तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट। मैं आई लिख रहा हूँ, आई स्टैंड फॉर इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड। जेड पर जाके आप रुक जाओगे तो इसका मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट ए से स्टार्ट होगी कहानी, जेड पे खत्म हो जाएगी, यानी कि गिनती फिक्स है, तो दिस इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव। अब ऐसे नंबर्स का सेट जो फाइव की मल्टीपल हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, क्या ये गिनती कहीं रुक सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई कंडीशन ही अप्लाई नहीं है, तो इसीलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये पहले तीन में इनफाइनाइट, फाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट वन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। लीजिए फोर्थ स्टेटमेंट, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। एनिमल्स का सेट जो अर्थ पे रह रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें भी क्या चीज, अब काउंट करना शुरू कर दोगे तो गिनती बहुत बड़ी जाएगी, क्योंकि एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं, करोड़ों अरबों खरबों हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि चलती जाएंगे, चाहे ये करोड़ अरब भी हो फिर भी एक स्टेज पे तो जाके गिनती स्टॉप होगी ही, फिक्स नंबरिंग है। वो अलग बात है कि हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन गिनती तो एक फिक्स है ना, तो इसीलिए ये एक फाइनाइट सेट कंसिडर किया जाएगा। जैसे हम लोग अपनी पॉपुलेशन की बात करें, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन काउंटेबल तो है ना, ऐसे नहीं कि आपको काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से सेट ऑफ एनिमल्स जो है वो एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन 0 0 से पास होने वाले सर्कल कितने ड्रॉ कर सकते हैं? एक तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा ड्रॉ कर दिया, ये तीसरा ड्रॉ कर दिया, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? तो कितने सर्कल हो सकते हैं? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, आपने खुद ही कह दिया, इनफाइनाइट। यस, दिस इज द करेक्ट वन। तो इस तरीके से इनफाइनाइट फाइनाइट की कहानी क्लियर होती है। ओके, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में फोर्थ जो टॉपिक था, जो फोर्थ कंसेप्ट था, कि हमें पता करना है कि सेट ए और बी इक्वल है या नहीं है। अब इक्वल सेट क्या होते हैं, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्विकली। इक्वल सेट्स वो सेट होते हैं जिनमें, अगर सपोज करो दो सेट हैं ए एंड बी, तो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, एलिमेंट्स विल बी द सेम, ऐसे लिख लेते हैं बस, सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट। बोथ भी छोड़िए, मतलब जितने भी हो, अगर एलिमेंट सेम है, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, कि अगर एलिमेंट सेम है तो नंबर तो ऑटोमेटिकली सेम होंगे। अगर एलिमेंट सेम टू सेम है तो उनको इक्वल सेट बोलेंगे। अगर सेट ए में मान लो 1 2 3 है, तो बी में भी 1 2 3 ही होने चाहिए। ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तब भी ठीक है, अगर सेम रहता है तब भी ठीक है। मतलब 1 2 3, 2 1 3, ये दोनों सेम माने जाते हैं, तो इसीलिए ए और बी विल बी द इक्वल। तो इक्वल सेट मतलब सेम एलिमेंट। चलिए करते हैं शुरू। तो पहला स्टेटमेंट है ए ए बी सी डी, बी डी सी बी ए। क्लियरली देखो, ए बी सी डी चार एलिमेंट है, ए में चार एलिमेंट है, बी में और सेम सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ए और बी इक्वल है, तो टिक लगा देंगे। सेकंड देखिए, 4 8 12 16, बी में 8 4 16 18 आ गया। यहाँ पर क्या गड़बड़ है? ए में 12 दिख रहा है लेकिन बी में 12 नहीं दिख रहा। एक भी एलिमेंट का फर्क आ जाए तो वो इक्वल नहीं होंगे। एक सेट में बस ये देख लो कि एक एलिमेंट अगर आपका अलग दिख गया तो वो काटा लगा दो, उसी टाइम पर वो सेट इक्वल नहीं है। थर्ड वन देखिए, 2 4 6 8 10, और बी सेट क्या कह रहा है? एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जहां पर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है,
तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इवन होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। वैल्यू या तो 10 हो या 10 से छोटी हो। तो क्या क्या नंबर आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 नंबर्स आ जाएंगे। और सेट ए में भी यही 5 नंबर हैं, तो इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट में ए और बी इक्वल सेट हैं। फोर्थ वन, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स 10 का मल्टीपल है, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, सो और। बी में क्या दिख रहा है? क्लियर है, 15 आ गया, 25 आ गया। मैंने तो कहा कि अगर एक भी एलिमेंट अलग चला गया तो इक्वल सेट नहीं है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको नंबर्स, तो इसीलिए ए और बी इक्वल नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं अपनी तरफ से, मतलब आपको शायद किसी को ये माइंड में क्वेश्चन उठा होगा कि अगर मान लो 1, 2, 3 है और बी सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, तो ये भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में एलिमेंट है 1, 2, 3। ये बात सही है कि बी में 1, 2, 3 तो आ रहा है, लेकिन इक्वल होने की कंडीशन क्या है? दोनों में सेम एलिमेंट आने चाहिए। तो यहाँ पर तो 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक भी एलिमेंट किसी में कम ज्यादा है तो वो इक्वल सेट नहीं है, तो इसीलिए इसका क्रॉस लग जाएगा। तो अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन उठा होगा तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, ना कम ना ज्यादा, पूरा का वादा। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। अगेन सेम बताना है कि कौन कौन से सेट्स के पेयर इक्वल हैं। लो, ए आपको बता रहा है 2, 3 और बी में एक्स सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। चलिए पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती ही होगी। आती ही होगी का क्या मतलब है? अभी आप लोग 10th का एग्जाम क्लियर करके आए हैं तो आपको आती है, ये ज्यादा बेटर वर्डिंग यूज कर रहा हूं मैं। तो x+2 × x+3, और यहाँ को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू -2, और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -3। लेकिन मुझे यहाँ पर सेट ए में 2 और 3 दिए हुए हैं, तो यानी कि साइन का फर्क आ रहा है, तो यानी कि ये इक्वल नहीं है। पहली नजर में देखने पर आपको ये लगेगा कि ये तो इक्वल है, लेकिन दीज आर नॉट इक्वल, साइन का फर्क है तो वो भी डिफरेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एक्स एक लेटर है इन द वर्ड फॉलो। लो, फॉलो के बनाए सेट FOLW। अगर कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो हमें एक ही बार लिखना होता है, दोबारा नहीं लिखने की जरूरत। वाई एक लेटर है इन द वर्ड वॉल्फ, इसके सेट क्या बनेंगे? WOLF। यस, इक्वल है जी, तो ये इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी इजी, जिन्होंने कंसेप्ट कैच कर लिया उनके लिए बहुत आसान है। सिक्स्थ वन, यहाँ पे भी इक्वल सेट की बात की हुई है। तो ए में 2, 4, 8, 12 है, तो पहले तो अपन ऐसे करते हैं, अपन इधर साइड में लिख लेते हैं, कले 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 कर देंगे। ए ए देखो, ए बी के इक्वल तो है नहीं है, और ए बी के इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि बी में 1 आ गया। क्या ए सी के इक्वल है? 4 आ गया, 8 आ गया, 2 नहीं आ रहा। ए में 2 है, सी में 2 नहीं है, तो यानी कि ए भी इक्वल नहीं है। क्या ए डी के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। ए में 2 है तो डी में तो है, लेकिन ए में आपका 8 है, डी में 8 है ही नहीं है। और कुछ एलिमेंट डी में ऐसे हैं जो ए में नहीं है, ई में भी नहीं है, एफ के साथ भी नहीं है, जी में भी नहीं है और एच में भी नहीं है। तो इसका मतलब है ए जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ए को तो कट मार दो। अब बी की बात करेंगे, बी का ए के साथ तो चेक करने की जरूरत रही नहीं, क्योंकि ए किसी के साथ भी नहीं है। अब बी क्या सी के साथ है? बी सी के साथ नहीं है, क्योंकि 1 एलिमेंट सी में नहीं है। क्या बी डी के साथ इक्वल है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यस। तो ये हमारा पहला इक्वल सेट मिल चुका है, बी डी के इक्वल है। जो जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट डी में है, ना कम ना ज्यादा, ऑर्डर मैटर करता नहीं। तो बी और डी इक्वल सेट है, इसके अलावा कोई और भी इसके साथ मैच नहीं है। उसके बाद सी की बात करेंगे, सी का डी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ई एफ जी एच के साथ तो छोड़ ही दो, क्योंकि चार चार एलिमेंट है। डी का जो है वो बी के साथ ही है और वो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप ऐसे नहीं कि अब दोबारा सोचोगे लिख देंगे बी इज इक्वल टू डी। नो, एक बार लिख दिया काम खत्म, तो इसीलिए बी और डी। तो ये तो पहले चार की बात खत्म हो गई हमारे पास। ओके, उसके बाद ई एफ जी एच में भी अब देखना है। ई -1, 1,
तो क्लियर देख सकते हो आप, ई और जी जो है वो आपस में इक्वल है, और ई और एच इक्वल नहीं है क्योंकि ई में -1 है, एच में -1 है ही नहीं है, एच में 0 है लेकिन ई में 0 नहीं है, तो इसलिए ई और एच इक्वल नहीं है। ओके, एफ वाला भी किसी के साथ नहीं है क्योंकि एफ में 0, A है, एच में 0 तो आ गया लेकिन ए नहीं आया, और उसमें 1 है जो एफ में नहीं है, और जी और ई का पर लिख चुके हैं, तो बाकी सब कहानी खत्म है। तो यानी कि जो मुझे गिवन दिया हुआ है उसमें सिर्फ यही दो पेयर आ रहे हैं, बी और डी आपस में इक्वल है, ई और जी आपस में इक्वल है, और इस तरीके से ये मेरी कहानी एक्सरसाइज 1.2 की फिनिश होती है। तो आई जस्ट होप कि आपको एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हुई होगी, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।